Hi all, this is Anjali और आज इस लेसन में हम करेंगे how can we join और concatenate numpy arrays. So numpy arrays को जब आपको join करना होता है तो scalar arrays concatenate करना तो बहुत simple होता है क्योंकि scalar मतलब one dimensional arrays जो हैं they can be directly concatenated with the help of concatenate function. पर जब हम 2D arrays को concatenate करते हैं we have to tell कि हम उसे horizontally concatenate करना चाहते हैं या vertically. मतलब आपको उसमें रोज में नीचे ऐड करना है या आपको उसे कॉलम्स में ऐड कराना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट यू गेट इट इन अ क्लियर वे. अभी यहाँ पर देखो हमने क्या किया है. इंपोर्ट numpy एज np. आई हैव क्रिएटेड द एरे नेम्ड a जो कि इस लिस्ट से बना है 3x3 की. और ऐसे ही एक मैंने बनाया है b एंड मैंने प्रिंट किया है दोनों एरेज को अलॉन्ग विद देयर शेप्स. सो जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप आउटपुट विंडो में देख सकते हो पहला एरे शो हो रहा है शेप इज 3x3. दूसरा एरे शो हो रहा है शेप इज 3x3. नाउ एरेस को जॉइन करने के लिए जो फंक्शन हमारे पास है उसका नाम है कंकैटिनेट. कंकैटिनेट कैसे काम करता है हम यहाँ पे लिखते हैं एनपी दैट इज numpy डॉट कंकैटिनेट. सो numpy लाइब्रेरी का फंक्शन है कंकैटिनेट. कंकैटिनेट वर्ड का मतलब ही होता है joining two things. वो join हम strings भी कर सकते हैं arrays भी कर सकते हैं depend आप कहाँ पे काम कर रहे हो. So यहाँ पर अभी हम join कर रहे हैं दो arrays को. तो मैंने लिखा np dot concatenate. जो matrices हैं उनका size same होना चाहिए. यहाँ पे दोनों 3x3 size की हैं. अब यहाँ पर दो arguments हमें देने होते हैं concatenate में. पहला होता है list of arrays जो concatenate करने हैं. As a tuple you have to provide that. तो ये जो है argument this has to be provided as a tuple. इसलिए आप देख रहे हो दो बार राउंड ब्रैकेट्स दी हुई है. तो जो बाहर वाली राउंड ब्रैकेट्स है वो तो कंकैटिनेट फंक्शन के लिए और जो अंदर वाली राउंड ब्रैकेट्स है वो इसलिए है क्योंकि a कॉमा b इज गिवन एज अ टपल. आई कैन गिव 3, 4, 5 एरेज आल्सो. तो मैं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d भी दे सकती हूँ बट दे हैव टू बी गिवन एज वन टपल क्योंकि इसके बाद आप कॉमा दे के बता सकते हो एक्सेस जो कि अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो होता है. दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट आपका जो ऐड करेगा वो वर्टिकली ऐड करेगा. वर्टिकली इन द सेंस आपकी रोज में ऐड करेगा. तो जब आप यहाँ देखोगे कंकैटिनेट हुआ तो ये 3x3 था ये भी 3x3 था. आप देख लो ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 6x3 बन गया. तो ये बन गई हमारी 6x3 की मैट्रिक्स. सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो होता है दैट मीन्स इट लिंक्स एज पर योर रोज. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रो वाइज नहीं लिंक करना मेरे को कॉलम वाइज लिंक करना है तो आपको एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो अगर मैं एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिख के कंकैटिनेट करती हूँ तो ये वर्टिकली कंकैटिनेट नहीं करता हॉरिजॉन्टली कंकैटिनेट करता है मतलब और कॉलम्स ऐड कर देता है. तो अभी आप देखोगे तो शेप आएगी 3, 6. तो रोज 3 है लेकिन कॉलम 6 हो गए. तो ये आपकी फर्स्ट 3 मैट्रिक्स थी उसी के पीछे 3 और ऐड हो गए. सो ये 3x6 आपका फाइनल शेप आया. ठीक है. सो कंकैटिनेट के साथ एक्सेस देना ऑप्शनल है. अगर 0 चाहिए तो आप मत लिखो लेकिन अगर आपको एक्सेस 1 चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा. सो वी हैव टू यूज कंकैटिनेट लाइक दिस. अगर कंकैटिनेट फंक्शन आप यूज नहीं करना चाहते हो आपके पास एक और ऑप्शन भी है. वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं दो और जिसे कहते हैं वी स्टैक एंड एच स्टैक. वो दोनों फंक्शंस इसी पर्पस के लिए यूज होते हैं. वी स्टैक मतलब आप वर्टिकली लिंक करना चाहते हो और एच स्टैक का मतलब है आप हॉरिजॉन्टली लिंक करना चाहते हो. सो इन दैट केस इस कंकैटिनेट की जगह पर अगर मैं एच स्टैक लिखती हूँ तो मुझे यहाँ एक्सेस 1 देने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ इसको कॉल कर सकती हूँ एंड आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. और अगर इस H stack की जगह मैं V stack दे देती हूँ सो मेरे पास वही रिजल्ट आएगा जो एक्सेस 0 के होने पे होता है. सो दैट इज हाउ वी कैन कंकैटिनेट द एरेज numpy एरेज. सो या तो आप कंकैटिनेट फंक्शन सीधे यूज कर लो जैसे हमने अभी पहले किया उसमें हम एक्सेस बता सकते हैं नहीं तो H stack या V stack फंक्शन यूज हो सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आपके एरेज को join that is concatenate करने के काम आते हैं. So basic method तो concatenation ही है. V stack और H stack भी internally concatenation को ही call करते हैं काम करने के लिए. So that is how you can join your arrays. So this is the procedure.
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन ये काम करता है और एक्सेस एट्रीब्यूट का क्या रोल है, क्या होता है एक्सेस देने से. फाइन, सो दिस इज हाउ वी कंकैटिनेट. सिंपल थिंग, अगेन इम्पोर्टेंस यही है कि आप इसको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंकैटिनेट, या वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है विच फंक्शन इज यूज टू कंकैटिनेट, या फिर कोड दिया होगा और आपको आउटपुट बताना होगा. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. सो फिलहाल आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में नीचे लिखना है कि एक्सेस जीरो या वन होने से क्या होता है कंकैटिनेट फंक्शन में. सो जब हम एनपी डॉट कंकैटिनेट कॉल करते हैं, सो हाउ डज इट डिफर व्हेन एक्सेस इज इक्वल टू जीरो और एक्सेस इज इक्वल टू वन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू सिनेरियोस. तो ये आंसर आप लिखोगे एंड लेट मी सी हु ऑल आर सीरियसली स्टडिंग. एंड आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलेगा कौन सीरियसली पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है. सो आई होप यू ऑल आंसर इट वेल एंड वील बी प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आल्सो वेरी सून वंस वी कवर अप सम टॉपिक्स. डू शेयर द वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो, योर बैचमेट्स, योर ट्यूशन मेट्स, जिनको जरूरत है सीखने की. सो डू शेयर विद देम, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इफ यू आर हैप्पी टू स्टडी. So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.